कोयलांचल में गैंग्स ऑफ वासेपुर के गैंगस्टर फहीम खान अपनी छोटी बेटी और उसके सुहाग को आशीर्वाद देने के लिए मंगलवार को रांची होटवार जेल से पेरोल पर छूटकर दो दिनों के लिए धनबाद पहुंचे। पुलिस उसे वासेपुर के कमर मुखदुमी रोड स्थित उसके घर नहीं ले जाकर सीधे रेलवे ऑफिसर क्लब पहुंची। गैंगस्टर फहीम को जान से मारने की धमकी उसके ही भांजे प्रिंस खान ने दे रखी है, लिहाजा पुलिस फहीम की सुरक्षा में कोई कोताही बरतना नहीं चाहती। इसी कारण मंगलवार की सुबह बैंक मोड़ थाना प्रभारी पीके सिंह ने फहीम के घर वालों से संपर्क कर शादी में शामिल होने वाले सभी लोगों के अलावा बावर्ची तथा अन्य लोगों के भी आधार कार्ड ले लिए हैं। घर के मुखिया द्वारा बताए जाने पर ही कोई शख्स फहीम से मुलाकात कर पाएगा, बाकी किसी अन्य को फहीम से मिलने या उसके आसपास जाने की भी इजाज़त नहीं होगी। पुलिस को आशंका है कि वासेपुर में उस पर हमला किया जा सकता है, इस कारण फहीम खान को पुलिस शादी संपन्न होने के बाद भी उसके कमर मखदूमी रोड स्थित घर नहीं लेकर जाएगी। बता दें कि वासेपुर का फहीम खान पिछले 13 साल से सागिर हत्याकांड में सलाखों के पीछे कैद है। उसने अपने बेटे बेटी की शादी के लिए सरकार से पैरोल मांगी थी, लेकिन इजाज़त नहीं मिलने पर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हाई कोर्ट ने बेटे की शादी में शामिल होने की इजाज़त तो नहीं दी, लेकिन बेटी जन्नत खानम की शादी से पहले पैरोल मंजूर कर ली। पूरी तरह आपको जो है फोर्स लोग हैं, यहाँ चारों तरफ फोर्स हैं, काफ़ी संख्या में फोर्स हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनके सुरक्षा के लिए कोई परेशानी नहीं है। कितने दिनों तक यहाँ पे वो रुकेंगे? एक दिन के लिए पैरोल दिया गया है सरकार या आपको कोर्ट के द्वारा, उसके बाद आगे कार्रवाई करके कोर्ट भेजा जाएगा। तो आज जाएंगे कि कल? कल जाएंगे, सुबह जाएंगे। कौन आ रहे हैं? फहीम खान आ रहे हैं।